हेलो एवरीवन, आज जो आपका टॉपिक नेटवर्किंग के अंदर है वो है ओएसपीएफ मल्टी एरिया राउटिंग। तो मैंने जो पिछले प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था कि ओएसपीएफ सिंगल एरिया राउटिंग कैसे करते हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओएसपीएफ मल्टी एरिया राउटिंग, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का यूज करके अपनी राउटिंग को कन्फिगर करेंगे। तो मल्टी एरिया राउटिंग यूज क्यों होती है, सबसे पहले तो ये बता दूं, जहां पर आपके एक से ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एरिया है, जैसे कि आप कोई सिटी ले लो, सिटी के अंदर अलग अलग जो है वो अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग गलियां हैं, तो उन सबके एरिया अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, तो उसके लिए आप मल्टी एरिया राउटिंग यूज कर सकते हो। तो उसकी कन्फिगरेशन कैसे करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने नॉर्मल जो आपके बेसिक राउटर है, जहां पर आपकी कन्फिगरेशन शुरू होती है, वहां पर आपको राउटर करना है। तो राउटर ओएसपीएफ, तो आप जो भी उसका नंबर दोगे वो कॉमन रखना, तो आपने नेटवर्क देना है तो नेटवर्क देना याद रखना। अब यहाँ पर मेन चीज होगी कि जो आपके अंदर का इंटरफेस के एफए का जो आपका आईपी होगा वो रहेगा आपका सिंगल अलग एरिया में, और जो आपका मीडिएटर वाला जो आपका मेन राउटर से कनेक्टेड होगा वो आपका सिंगल एरिया में रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने 1.0.0.0 जो मेरा नेटवर्क है उसको मैंने वाइल्ड मास्क दे दिया 2.0.255.255.255, तो इसका एरिया जो रहेगा वो रहेगा 1, तो मैंने इसका एरिया 1 दे दिया। और जो मेरा दूसरा नेटवर्क है जो 4 वाला है उसको मैंने 0 के नेटवर्क में रखा है, क्योंकि वो मेरे मेन राउटर से कनेक्टेड है। तो इस तरह मेरे इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। तो इस राउटर पे आपको मैं मेन राउटर की सबसे लास्ट में रहूंगा, फिर वो सबसे मेन चीज है। तो राउटर ओएसपीएफ 20, तो अब यहाँ पे नेटवर्क देना है, तो यहाँ पर मेरा जो 2 का नेटवर्क है वो रहेगा डिफरेंट एरिया में, और जो 5 का नेटवर्क है वो रहेगा मेरा जो हमारा कॉमन एरिया बनेगा 0 उसके साथ। तो इसको मैं एरिया 2 दे रहा हूँ, और जो मेरा 5 का नेटवर्क है उसको मैं 0 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने 0 दे दिया, सॉरी 0 दे दिया, ठीक है जी। तो अब ये राउटर का भी कन्फिगरेशन कंप्लीट होती है राउटिंग की। अब इस राउटर पे आते हैं, इस राउटर पे आने के बाद मुझे अब यहाँ पर देखना है कि मेरा 3 का नेटवर्क जो होगा, यहाँ पर मैंने 3 का नेटवर्क दे रखा है और 6 का नेटवर्क, तो 3 का नेटवर्क होगा वो मेरा अंदर का आईपी है, तो उसको मैं डिफरेंट एरिया में दूंगा। तो यहाँ पर राउटर ओएसपीएफ, उसके बाद 20 कॉमन रखना है, नेटवर्क आईडी देनी है 3.0.0.0 एंड 0.255.255.255 जो वाइल्ड एरिया, और ये हो गया हमारा एरिया हो गया इसका 3। तो अब जो हमारा 6 का नेटवर्क रहेगा वो रहेगा हमारा 0 में, क्योंकि वो मेन राउटर से कनेक्टेड है। तो याद रखना जो आपका सेंटर राउटर से कनेक्टेड होगा वो आपने कोई कॉमन एरिया ले सकते हो, आप जैसे मैंने 0 लिया है इनका तो आप 0 ले सकते हो। अब यहाँ पर मुझे इन राउटर इस राउटर पे आके तीनों के साथ 0 के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो मैंने सारी कन्फिगरेशन पहले ही कर रखी है। तो राउट आप बस अनेबल करके कॉन्फिगर करके और राउटिंग अटैच करनी है। तो राउटर ओएसपीएफ 20 आप कॉमन रखोगे, नेटवर्क आईडी आपको देनी है, तो सबसे पहले मैं 4.0.0.0.255.255.255 एरिया आपको दे रहा हूँ मैं सबको 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो मेन राउटर है वो बस कॉमन एरिया में रहे। तो यहाँ पर यहाँ पर मुझे 5 को देना है, मैं यहाँ पर 5 को दे देता हूँ, ओके। तो मुझे यहाँ पर इसको 5 देना है, ओके। गलती होगी फिर से मेरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप करना शुरू हो गया है। 0.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 
भाई उसके बाद यहाँ पर अब मेरा 6 का नेटवर्क ही है, तो मुझे यहाँ पर 6 के नेटवर्क को भी कम्युनिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं डू शो आईपी रूट करके कि मेरे सारे इंटर कम्युनिकेशन हुए कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरे 1.456 आ गया, और बाकी जो नेटवर्क है वो अभी नहीं आया, तो इनको पासवर्ड करते हैं। तो फटाफट चेक करते हैं कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ या नहीं। तो सारे मेरे ख्याल से आ चुके होंगे, डू शो आईपी रूट करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे सभी नेटवर्क कम्युनिकेशन के दौरान 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ चुके हैं, मतलब मेरी कम्युनिकेशन अब सक्सेसफुली हो जाएगी। आप पैकेट ट्रांसफर करके देखिए, आपको पैकेट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये थी बस सिंपल सी मल्टी राउटिंग, जो आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे आप डिफरेंट एरिया को कम्युनिकेशन कराओगे, बट आपका जो कॉमन राउटर रहेगा, जो कॉमन मेन इंटरफेस रहेगा, वो आपका सिंगल एरिया में चलेगा। बस ये याद रखना आपने। तो यहाँ पर मेरा पाथ कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, मेरा नेटवर्क ट्रांसफर हो चुका है, और मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी हो, तो आप हमारी इन्फोविज की साइट infoviz.co.in पे जाके हमें कोई भी क्वेरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।